नेशन्स गेम्सनो अमित शाह प्रारंभ करावी रहा छे। सीधा जी शू अमित शाह स्टेडियम खाते पहुंचा छे, संबोधन कर रहे हैं। काम अनुराग ठाकुर ने किया है। मित्रों, मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहूंगा। 2014 में भारत के खेलों के लिए जो बजट था वो 866 करोड़ था, 2022 में 866 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ बजट करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओलंपिक पदक जो दो मिलते थे कभी, हम 7 तक पहुंचे हैं। पैरा ओलंपिक में 4 से 19, ब्राजील में डेफ ओलंपिक में 5 से 16, राष्ट्रमंडल में सुवर्ण पदक 15 से 22 और एशियाई गेम में 70 सुवर्ण पदक जीतकर भारत ने सभी रिकॉर्ड तोड़े। मित्रों, थाईलैंड में थॉमस कप हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जीतकर इतिहास किया है। कई सारी नई शुरुआतें मोदी जी ने करी है। मित्रों, गुजरात इस देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर परिवर्तन का सारथी बना है। खेलों में भी गुजरात परिवर्तन का सारथी बना है। मैं 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज एक बात मैं और कहना चाहता हूं। पिछले 20 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने हर क्षेत्र में बहुत 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 विकास किया। कई सारे ऐसे पैरामीटर्स तय करे हैं जो शायद आने वाले दशकों तक कोई तोड़ नहीं पाएगा। चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे पोर्ट डेवलप करने हो, चाहे 24 घंटा बिजली पहुंचानी हो, चाहे आदर्श लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनानी हो। और खेलों में भी गुजरात ने बहुत किया है। मगर अभी मैंने भूपेंद्र भाई का भूज का भाषण सुना था। मित्रों, ये सब जो हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है, मेरी बात के बाद जोर से ताली बजाना, वो इसलिए हुआ है कि मोदी जी नर्मदा का पानी कच्छ के खावड़ा तक लेकर गए। अगर गुजरात में मोदी जी भगीरथ बनकर ना आते और नर्मदा का पानी कच्छ तक न पहुंचाते तो ये विकास संभव ही नहीं था। मगर आजकल कुछ लोगों ने एक नई शुरुआत की, नर्मदा का विरोध करने वाली मेगा पाटकर को पिछले दरवाजे से गुजरात की राजनीति के अंदर एंट्री करने की शुरुआत कर दी। मैं गुजरात के युवाओं को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने नर्मदा योजना का विरोध किया, जिन्होंने गुजरात के विकास का विरोध किया, जिन्होंने गुजरात का विकास किया विरोध किया, उनको गुजरात में एंट्री आप करने देंगे क्या? जोर से बोलिए, करने देंगे क्या? मित्रों, ये जो प्रयास चल रहा है, मैं सारे गुजरात की जनता को कहने आया हूं कि जिन्होंने दशकों तक गुजरात का विरोध किया, दशकों तक हमारी जीवादोरी समान नर्मदा योजना का विरोध किया, दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है, कोई फोरम ऐसा नहीं है जहां पर गुजरात को बदनाम करने का एक भी मौका जिन्होंने जाने दिया, वो मेगा पाटकर को लेकर जो लोग आना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, यहीं से रुक जाइएगा। ये गुजरात है, यहां गुजरात विरोधियों की कोई जगह नहीं। और मित्रों, मुझे भरोसा है गुजरात की जनता पर और हमारे साथी जो यहां काम कर रहे हैं सरकार में उन पर, और मोदी जी के नेतृत्व पर कोई कितना कुछ भी कर ले, गुजरात का विरोध करने वालों का महिमा मंडन गुजरात की सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी। मित्रों, आज जिन लोगों ने भी 11वें खेल महाकुंभ में खेला है और विशेष कर जो जीत कर आए हैं,
वो सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। और भूपेंद्र भाई और गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 36वें नेशनल गेम बहुत रंग चंग के साथ, उत्साह के साथ, एक उत्सव के वातावरण में गुजरात में मनाया जाए। गुजरात पूरे देश के खिलाड़ियों का, कोचिज का और अधिकारियों का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है।